बख्शीश दो, मुझे बख्शीश दो, मुझे बख्शीश दो, मुझे सत्ता की गोद में बैठे गोदी पत्रकारों को उन्हीं के अंदाज में कांग्रेस पार्टी ने एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो के माध्यम से जो खिंचाई की है वो काफी दिलचस्प लग रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने इस वीडियो में बिना किसी पत्रकार का नाम लिए अर्णब गोस्वामी के आर भारत चैनल के साथ अर्णब की स्टाइल में सरकार के लिए काम करने और पत्रकारिता के मानकों के साथ समझौता और सरकार से बख्शीश मांगने के तरीके पर और गोद में बैठकर पत्रकारिता करने वाले सवालों को इन परिदृश्यों के माध्यम से जनता को समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा है, अगर मीडिया गोदी में बैठी रही तो ना संविधान रहेगा ना लोकतंत्र। साथ ही दोस्तों राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, कहा है झूठ की फैक्ट्री बना गोदी मीडिया देश को भटकाने में लगा है लेकिन देश भटकेगा नहीं। इस वीडियो में दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने गोदी मीडिया के पत्रकारों की हकीकत देश के सामने लाने का प्रयास किया है। आर भारत के अर्णब गोस्वामी जैसा दिखने वाला ये पत्रकार इस वीडियो में काल्पनिक मोदी और शाह की गोद में बैठकर पत्रकारिता करता दिखाई दे रहा है। धनेशन न्यूज साहब ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। विदेश जाने के लिए वीजा नहीं, इंडियन पासपोर्ट दिखा दीजिए काफी है। रुपया इतना ऊपर चला गया था कि रॉकेट भेजना पड़ा उसे थोड़ा नीचे लाने के लिए। ईंधन के दाम इतने कम हो गए हैं कि लोग पानी के बजाय डीजल यूज करते हैं फर्श साफ करने के लिए और पेट्रोल यूज करते हैं कपड़े साफ करने के लिए। दूध सब्जी तेल के दाम इतने कम हो गए हैं कि गुल्लक के चिल्लर से आप पूरे साल का राशन भर सकते हो। आप कहेंगे कुछ भी है, कुछ भी, लेकिन ये सच है। कट। अगर मीडिया गोदी में बैठी रही तो ना संविधान रहेगा ना लोकतंत्र, हाथ बदलेगा हालात। मुझे बख्शीश दो, मुझे बख्शीश दो, मुझे बख्शीश दो, मुझे सुप्रिया सिनेत ने कहा है, आज गोदी में बैठा मीडिया संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है। पैरोडी यूजर ने कहा, कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे तरीके से गोदी मीडिया को उसी के स्टाइल में जवाब दिया है। विनोद कापड़ ने कहा, कांग्रेस के इस 58 सेकंड के चुनावी फिल्म में आपको भारतीय टेलीविजन का एक बेशर्म, बेहया और बेगैरत चेहरा दिखाई देगा। पता नहीं इनके बच्चे परिजनों से ये लोग कैसे नजर मिलाते होंगे। आशीष बागची ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, डियर अर्णब गोस्वामी, इसी तरह आप लोगों के बीच में याद किए जाते हैं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।